So the next unit from physical chemistry is thermodynamics. Is very very important unit from physical chemistry. What is thermodynamics? तो मैं कहूँगा thermodynamics science की वो branch है जहाँ पर different type की energy की relationship को study किया जाता है. किसको study करते हैं? Different type की जो energy है उनकी inter relationship को हम स्टडी करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. सो वी कैन डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स एज द ब्रांच ऑफ साइंस. मैं यहां ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है. तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ different types of energy, different type of energies is called thermodynamics. फिर से सुनेंगे. The branch of science which deals with the study of interrelationship of different kinds of energies or different type of energies is called thermodynamics. Thermodynamics को इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगर मैं रिपोर्ट करूं तो वो इसी डेफिनेशन के आसपास ही कुछ मिलेगा. देखिए थर्मोडायनेमिक्स इस टर्म को ब्रेक करते हैं. थर्मोडायनेमिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड थर्म एंड डायनेमिक्स. उसका क्या मतलब होना चाहिए? थर्म थर्म का मतलब होता है हीट या कहीं ना कहीं ये थर्म कभी कभी टेम्परेचर से भी रिलेटेड होगा. यहां हम हीट से मतलब निकालेंगे और डायनेमिक्स डायनेमिक का मतलब होता है चेंज या इंटर कन्वर्जन. और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी डायनेमिक्स का मतलब हम निकाल सकते हैं. तो इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर हम सोचें तो उसका मतलब होगा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इन वन फॉर्म टू अनादर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. इस टर्मिनोलॉजी का मतलब निकालें तो क्या होगा? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट और एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनादर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. वो भी कहीं ना कहीं उस प्रीवियस डेफिनेशन से ही रिलेटेड मिलेगा. इस यूनिट को स्टार्ट लेने से पहले मैं उन टर्मिनोलॉजी पर बात करना चाहूंगा जो टर्म थ्रू आउट द यूनिट बार बार डिस्कस होगी. उन टर्मिनोलॉजी को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं. सो सिस्टम एंड सराउंडिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. पूरा का पूरा यूनिट इन दोनों डेफिनेशन पर बेस्ड है. तो इन टर्मिनोलॉजी को हम क्लियर करना चाहते हैं. तो मैंने जैसे कि आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि ये क्लोज रूम है सपोज, और इस क्लोज रूम में मेरे हाथ में एक कंटेनर रखा हुआ है. उस कंटेनर में कुछ केमिकल्स हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन के बाद CO2 गैस और हीट यहां से रिलीज हो रही है. तो यूनिवर्स का ये पर्टिकुलर पार्ट जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, यूनिवर्स का जो भी पर्टिकुलर पार्ट जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, जहां पर फिजिकल चेंज हो रहा हो, केमिकल चेंज हो रहा हो, उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसको आप अंडर इन्वेस्टिगेट होता है, जो जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट कंसिडर हो जाता है एज सिस्टम. और रिमेनिंग पार्ट, जैसे ये क्लोज रूम है, मैंने ये कहा कि ये सिस्टम है सपोज, इससे हीट रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब ये अपना हीट और मास एक्सचेंज कर रहा है इस पूरे रूम के साथ. तो यूनिवर्स का रेस पार्ट जो पर्टिकुलर सिस्टम के साथ हीट और मास का एक्सचेंज कर सकता हूं, वो इस सिस्टम का सराउंडिंग है. तो ये कंटेनर जो मेरे हाथ में है जहां पर फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है, उसको हम जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको हम सिस्टम कहेंगे. और इस पूरे रूम को जो इस सिस्टम के साथ हीट या मास का एक्सचेंज कर सकता हो उसको हम सराउंडिंग कहेंगे. सो वी विल डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग. वी कैन डिफाइन सिस्टम एज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. That part of universe which is under investigation
वेयर फिजिकल और केमिकल चेंज टेक प्लेस विल बी कंसिडर्ड एज सिस्टम एंड वॉट इज सराउंडिंग. सो रेस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड सिस्टम एंड विच कैन एक्सचेंज हीट और मास विद द सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज इट्स सराउंडिंग. The rest part of the universe which surrounds system and which can exchange heat or mass with the system is called its surrounding. डेफिनेशन में ये डिस्कस किया कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है उसमें मास या हीट का मतलब एनर्जी और हीट को मैं एनर्जी कह सकता हूं, मास को मैं मैटर कह सकता हूं. एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज आपस में पॉसिबल है ना. उस बेसिस पे सिस्टम के टाइप्स होने चाहिए. टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के थ्री इंपॉर्टेंट टाइप हैं. किस बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन किया जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर मीन्स हीट और मास विद द सराउंडिंग एंड दिस आर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. इसको टेबुलेटेड फॉर्म में इन तीनों को मैं डिफाइन कर सकता हूं कुछ इस तरीके से. टाइप ऑफ सिस्टम, और सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी से मतलब है हीट विद सराउंडिंग and exchange of mass means matter with surrounding. First type is open system, second one closed system, third one isolated system. देखो इजी कर देता हूं तरीका. ओपन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम, ऐसे याद रखिएगा, ओपन सिस्टम यस एंड यस मतलब ओपन सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट मतलब एनर्जी और मास मतलब मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है. क्लोज सिस्टम वो होता है जो हीट का एक्सचेंज तो करेगा लेकिन मास का नहीं करेगा, और आइसोलेटेड वो होता है जो दोनों का एक्सचेंज नहीं करेगा. ऐसे हो गया यस यस यस, नो नो एंड नो. डेफिनेशन ये होनी चाहिए. ओपन सिस्टम देखिए, समझिए, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं. ओपन सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर मीन्स मास विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज
मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग एंड नॉट मैटर इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मास नॉर मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. Thermodynamics is one of the most important unit from physical chemistry. Or initially thermodynamics mein hum jo hai wo fundamentals matlab important concept aur terminology pehle discuss kar lena chahte hain, so that ki during the discussion un concept ko use karke is lengthy aur conceptual unit ko simplify kiya ja sake. To last class mein humne thermodynamics ko define kiya, system surrounding ko humne डिफाइन किया, और उसके बाद अब जनरल टर्मिनोलॉजी पर हम आ जाते हैं. लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को भी डिफाइन किया था. उसके कुछ कॉमन एग्जांपल हम लिखना चाहेंगे. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, इन तीनों को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं. जैसे कि हम जानते हैं ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर सराउंडिंग के साथ सिस्टम अपने हीट मतलब एनर्जी को और साथ ही साथ मास मतलब मैटर को एक्सचेंज कर सकता हूं. तो ओपन सिस्टम का डेफिनेशन हमने लिखा था, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी मींस हीट एज वेल एज मास और मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है. इसका कॉमन एग्जांपल क्या है? इसका कॉमन एग्जांपल हीटिंग ऑफ वाटर, वाटर को हीट करना. जैसे कि हम जानते हैं जो भी पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो सिस्टम है. तो ये सिस्टम है जिसमें वाटर रखा हुआ है. आप अग्री करोगे इसको हीट कर रहे हो, इसका मतलब सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और वाटर वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस. मतलब बदले में सिस्टम सराउंडिंग को मैटर दे रहा है, मास दे रहा है, दोनों का एक्सचेंज हो गया ना, एनर्जी एज वेल एज मैटर. This is an example of open system. Open system का example है heating of water. और heating of water में under assumed होगा, mention ना किया जाए तो, कि heating water की हो रही है किसमें? Open container में. दूसरा example, coffee in a mug. अब under assumed है कि coffee जो है वो hot है. एक mug में हमने coffee रख दी. Coffee in a mug is another example of open system. अगर हॉट कॉफी आपने मग में रखी है तो हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर और साथ ही साथ कुछ मैटर भी, मास भी यहाँ से एस्केप हो रहा है, मॉइस्चर यहाँ से एस्केप हो रही है. मतलब ये सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ हीट और मास दोनों को एक्सचेंज कर रहा है. ये भी एग्जांपल है ओपन सिस्टम का. तो कॉफी इन अ मग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम. तीसरा एग्जाम्पल, एक कंटेनर में मैं कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट कर दूँ, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को. मतलब मानते हो सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज एज CaO प्लस CO2 प्लस हीट, हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. CaO सॉलिड है, कंटेनर में ही रह जाएगा, CO2 गैस है, एस्केप हो जाएगा यहाँ से, हीट रिलीज हो जाएगी. मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दिया और बदले में सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट और मास दोनों एक्सचेंज कर दिया. अगेन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम मींस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. दिस आर थ्री इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. फिर था क्लोज सिस्टम. आप इमेजिन करो कि यही वाटर की हीटिंग एक क्लोज कंटेनर में हो तो फिर क्या होगा? अगर कंटेनर क्लोज हो गया तो हीट का एक्सचेंज तो होगा, मास का नहीं.
वही सिस्टम क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम को हमने डिफाइन किया था, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली हीट और एनर्जी विद द सराउंडिंग एंड नॉट मास और मैटर विद द सराउंडिंग विल बी कंसिडर्ड एज क्लोज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली हीट और एनर्जी विद द सराउंडिंग एंड नॉट मास और मैटर विद द सराउंडिंग इज कंसिडर्ड एज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का क्या एग्जाम्पल है? इन्हीं जो ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल है उसको मैं क्लोज सिस्टम में भी कंसिडर कर सकता हूँ कंडीशन चेंज करके कुछ इस तरीके से। और वाटर की हीटिंग मान लेते हैं क्लोज कंटेनर में हो रही है। अब बोलो, आपने हीट किया, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट है इट विल बी कंसिडर्ड ए सिस्टम। ये सिस्टम है, वाटर आपने लिया है, ये सिस्टम है। आप इसको हीट कर रहे हो मतलब सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रहा है। अब यहाँ से वाटर वेपराइज हुआ लेकिन वेपर एस्केप नहीं हो पाई, मतलब मैटर या मास का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है लेकिन केवल एक्सचेंज हो रहा है हीट या एनर्जी का। इट विल बी कंसिडर्ड एज क्लोज सिस्टम, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली हीट विद द सराउंडिंग बट नॉट मास विद द सराउंडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का कॉमन एग्जाम्पल क्या हुआ? हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर, हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर, हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर। यही कॉफी जो मग में रखी हुई है इसको मैं फ्लास्क में रख दूं, फ्लास्क का मतलब हुआ है क्लोज कंटेनर। कॉफी इन अ फ्लास्क, कॉफी को अगर मैं फ्लास्क में रख देता हूं तो फ्लास्क आप इमेजिन कीजिए ऑर्डिनरी क्लोज कंटेनर। ऑर्डिनरी क्लोज कंटेनर का मतलब है कॉफी, हॉट कॉफी आपने रखी है, कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो रहा है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज कर रहा है, बट सिंस द कंटेनर इज क्लोज इट विल नॉट एक्सचेंज मैटर और मास, तो ये मास का एक्सचेंज नहीं कर रहा। हुआ एग्जाम्पल क्लोज सिस्टम का। तीसरा एग्जाम्पल क्लोज सिस्टम का, यही कैल्शियम कार्बोनेट को हमने कहा था डिकम्पोज करवा रहे हैं हम ओपन कंटेनर में, यही अगर मैं क्लोज कंटेनर में करवाता हूँ, एक कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए यूज होता है जिसको कहते हैं लाइम कीन। लाइम कीन में अब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया जो कि एक क्लोज कंटेनर है, अब इसको मैं हीट करके डिकम्पोज करवा रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 बना और हीट रिलीज हुई। हीट का एक्सचेंज तो हो गया लेकिन मैटर का, मास का एक्सचेंज नहीं हो पाया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। तो जब किसी कार्बोनेट ओर को, कार्बोनेट एक ओर है, कार्बोनेट ओर को अगर हम लाइम कीन में क्लोज कंटेनर में हीट करते हैं तो वो थर्मली डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। आपको याद होगा 11 में आपने और लोअर स्टैंडर्ड में 10th में शायद पढ़ा हो कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ एन ओर इन एबसेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, और कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करवाया जाता है। तो ये कार्बोनेट का कैल्सिनेशन हुआ हीटिंग इन एबसेंस ऑफ एयर, क्लोज कंटेनर में है इसलिए एयर की एबसेंस है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो हुआ है इसको कैल्सिनेशन कहा जाएगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन क्लोज कंटेनर विच मीन्स कैल्सिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर हीट नॉर मास विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो वी कैन डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम एज द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर हीट और एनर्जी नॉर मास और मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल ना हीट का एक्सचेंज हो ना मास का, तो बेस्ट इसका एग्जाम्पल है कॉफी इन अ थर्मस फ्लास्क। मानते हो कॉफी इन अ थर्मस फ्लास्क, ये ऑर्डिनरी फ्लास्क था जहां पर हीट का एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन जो थर्मस फ्लास्क है एक ऐसा कंटेनर है जिसकी इनर वॉल पर इंसुलेटर लगा हुआ है और इंसुलेटर हीट का एक्सचेंज होने नहीं देगा,
जैसे इनर वॉल पे ग्लास अगर लगा हुआ है तो ग्लास से हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, और हमने कॉफी रख दी है थर्मस फ्लास्क में, तो कॉफी हॉट है, अब ना इसका हीट एक्सचेंज हो पा रहा है सराउंडिंग के साथ ना ही मास। तो कॉफी इन अ थर्मस फ्लास्क इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स, मतलब फंडामेंटल्स डिस्कस करके यूनिट को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक अगला इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो सकता है, डेफिनेशन हो सकता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को अगर मैं सिंप्लीफाई करके कहना चाहूँ तो सारे वो प्रोसेसेस जिसमें किसी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज हो, और फिजिकल स्टेट चेंज करवाने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो या तो प्रेशर होगा या टेम्परेचर होगा या हीट होगी या फिर वॉल्यूम होगा। मतलब वो सारे प्रोसेसेस जिसमें किसी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है अलोंग विद चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर विल बी कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। वी कैन डिफाइन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एज दोस प्रोसेसेस इन विच चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस अलॉन्ग विद चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम और हीट और टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। फिर ये समझें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में याद रखें इंटर रिलेशनशिप है, प्रेशर रिलेटेड है वॉल्यूम से याद रखें और टेम्परेचर रिलेटेड है हीट से। बहुत ध्यान से समझेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं वो ये होते हैं। फर्स्ट वन आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड वन एडियाबेटिक प्रोसेस, थर्ड वन आइसोकोरिक प्रोसेस, फोर्थ वन आइसोबारिक प्रोसेस एंड द फिफ्थ वन। ये थोड़ा इन फोर से कुछ डिफरेंट है। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, तो ये फिजिक्स वाला प्रोसेस है। बट प्रीवियस ईयर्स में कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन मैंने साइक्लिक प्रोसेस पे देखा है, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मैंने देखे हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस को भी मैं इंक्लूड यहां पर करना चाहूंगा। साइक्लिक प्रोसेस ये कुछ डिफरेंट है, तो इसको हम इंडिविजुअली अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी इन सब का आइडिया मैं एक साथ दे सकता हूं आपको इन सारे प्रोसेसेस का। बहुत ध्यान से समझें क्या हैं ये प्रोसेसेस। जैसे कि हम जानते हैं आइसो का मतलब होता है सेम कांस्टेंट, और थर्म का मतलब हमने कहा था कि कभी टेम्परेचर से रिलेटेड है थर्म, कभी हीट से। यहाँ आप इमेजिन कीजिए ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में थर्म का मतलब हीट था, एनर्जी था, लेकिन यहाँ थर्म का मतलब टेम्परेचर से है, राइट। आइसो मीन्स कॉन्स्टेंट और थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होंगे? दोस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। हमने कहा टेम्परेचर और हीट रिलेटेड है, टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो डेफिनेटली क्या चेंज होगा? हीट। दोस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट वेर इज चेंज इन हीट टेक प्लेस आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इसके एक्सप्रेशन पर कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का, जहां टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मैं ऐसे लिखूंगा चेंज इन टेम्परेचर
टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मीन्स चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू जीरो मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वेर एज चेंज इन हीट टेक प्लेस, सो चेंज इन हीट टेक प्लेस दैट मीन्स डेल्टा क्यू, क्यू मीन्स हीट, विल नॉट इक्वल टू जीरो. इसका मतलब है हीट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है. ये है आइसोथर्मल प्रोसेस. एडियाबेटिक, आप याद रखें एडियाबेटिक प्रोसेस एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है किसका, आइसोथर्मल का. मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है, इसका मतलब यहां पर हीट कॉन्स्टेंट होगा लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा. दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेर इज चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस आर कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस. सो द एक्सप्रेशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस शुड बी डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू जीरो बट डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. मीन्स टेम्परेचर चेंज होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, हीट चेंज नहीं होगी. आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम और कोर मतलब वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, प्रेशर से. वेर इज चेंज इन प्रेशर टेक प्लेस आर कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेर इज चेंज इन प्रेशर टेक प्लेस आर कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. सो एक्सप्रेशन विल बी वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो बट डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है यहां पर और प्रेशर चेंज होगा. आइसोकोरिक के ठीक अपोजिट आइसोबारिक है. आइसो मतलब सेम एंड बार इज प्रेशर. बार प्रेशर का यूनिट भी है, बार टर्म प्रेशर से रिलेटेड है. बैरोमीटर वो डिवाइस जिससे प्रेशर मेजर किया जाता है, तो बार टर्म ही साइंटिफिकली रिलेटेड है प्रेशर से. तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट. दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेर इज चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस आर कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस. एक्सप्रेशन होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो बट डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये फोर इंपॉर्टेंट टर्म है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके स्कूल लेवल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. अदरवाइज इनका खास तौर से मैथमेटिकल रोल है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिफरेंट वैरायटी के जब मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा इन एक्सप्रेशन का बहुत ही वैल्यूबल इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है. साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस को अगर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंगली कंसिडर करूँ तो साइक्लिक प्रोसेस फिजिक्स में डिस्कस होता है कार्नोट इंजन. कार्नोट इंजन वो है जो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाला इंजन है. कार्नोट इंजन का एक बेसिक प्रिंसिपल मैं वहीं से लेना चाहूंगा फिजिक्स वाले एग्जांपल से. जैसे एक सब्सटेंस है ए, ए की फिजिकल स्टेट को आपने चेंज कर दिया बी में, बी को चेंज कर दिया आपने सी में, सी को आपने चेंज कर दिया डी में और डी को आपने चेंज किया फिर वापस ए में. और ये सारे चेंजेस कुछ इस तरीके से करवाए हैं आपने कि ए को बी में चेंज करने के लिए आपने कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करवाया आपने. ऐसे न्यूट्रलाइज करवाया एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया. फिर नया चेंज आपने करवाया आइसोथर्मल कंप्रेशन. और फिर इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करवा दिया कैसे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन. ऐसा कुछ आपके फिजिक्स में रेफ्रिजरेटर या एसी में यूज होने वाले कार्नोट इंजन का प्रिंसिपल है. वह एग्जांपल मैंने यहां ले लिया. तो ए से हमने स्टार्ट किया, ए इनिशियल स्टेट है सब्सटेंस की और ए ही फाइनल स्टेट है और इसी प्रोसेस का नाम है साइक्लिक प्रोसेस. सो हाउ विल यू डिफाइन साइक्लिक प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स सेम. प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है कंटिन्यूशन में, डायनेमिक है लेकिन इनिशियल और फाइनल फिजिकल स्टेट वही है सब्सटेंस की, वो चेंज नहीं हुई. प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस. अब सुनते जाएंगे साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड
किसी प्रीवियस ईयर में कहीं मेडिकल या इंजीनियरिंग का मैंने क्वेश्चन देखा है, जैसे आपने एक्सप्रेशन लिखे हैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, वैसे ही साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। अब देखिए एक्सप्रेशन मैं क्या लिखूंगा, एक्सप्रेशन मैं ऐसे लिखूंगा कि वर्क डन का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ना, आप ए से चले वापस ए पर ही रुक गए आप, तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं यहां। जो सब्सटेंस इनिशियली था वही आपने प्रोड्यूस करवाया डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से, तो नेट वर्क डन क्या हुआ, जीरो। वर्क डन इज जीरो, ये एक्सप्रेशन है किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और याद रखना थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हर एक सब्सटेंस के पास सर्टेन अमाउंट में एनर्जी है। जस्ट सपोज कीजिए ए की एनर्जी है 40 जूल, बी की एनर्जी है 35 जूल, सी की है 30 जूल और डी की है 25 जूल। अगर ए बी में चेंज हो रहा है तो मैं कहूंगा एनर्जी चेंज कितना है, 5 जूल का। अगर बी सी में चेंज हो रहा है तो 5 जूल का, ए सी में चेंज हो रहा है तो 10 जूल का चेंज है, ए डी में चेंज हो रहा है 15 जूल का चेंज है, लेकिन ए वापस ए में ही चेंज हुआ, इनिशियल एनर्जी भी 40 जूल फाइनल भी 40 जूल, तो एनर्जी चेंज कितना हुआ, जीरो। ये भी एक्सप्रेशन है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये इसका करेक्ट आंसर था उस क्वेश्चन का जो मैंने देखा है किसी प्रीवियस ईयर्स में कंपटीशन का पूछा गया है क्वेश्चन। तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू जीरो फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या हुआ, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। कार्नोट इंजन इज द कॉमन एग्जाम्पल इन विच साइक्लिक प्रोसेस टेक प्लेस। कार्नोट इंजन इज द इंजन विच इज यूज इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। एंड मोर ओवर फॉर साइक्लिक प्रोसेस एक्सप्रेशन विल बी वर्क डन इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा ई एनर्जी चेंज विल ऑल्सो इक्वल टू जीरो, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। ये सब हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होना चाहिए इस यूनिट में वो है सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कैन बी क्लासिफाई इन टू टाइप्स एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कैन बी क्लासिफाई इन टू टाइप्स एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले समझें ध्यान से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो बहुत सिंपल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो जैसे आप समझिए मास, मानते हो जितने ज्यादा पार्टिकल हैं जितना ज्यादा क्वांटिटी है मास उतना ही ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी है सब्सटेंस की वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा, अग्री करते हो। इस यूनिट में डिस्कस की जाने वाले टॉपिक जैसे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इस यूनिट में डिस्कस होने वाले टॉपिक्स हैं। इवन वर्क डन भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसके ठीक अपोजिट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इंटेंसिव के ठीक अपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मोलार प्रॉपर्टी इसका एग्जांपल है। मोलार प्रॉपर्टी मतलब जो यूजुअली 1 मोल के लिए मेजर की जाती है, जैसे मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार वॉल्यूम। ये डिपेंड नहीं करेंगे किस पर, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर। और कोई एग्जांपल, और एग्जांपल समझना। आप 100 ग्राम वाटर ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 10 केजी वाटर ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या डिपेंड कर रहा है मैटर पर? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर समझना। विस्कोसिटी क्वांटिटी पे मैटर डिपेंड नहीं करती, विस्कोसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विस्कोसिटी भी होना चाहिए बट मोर करेक्टली यहां पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना चाहूंगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, पता है कितना? 1.33। वाटर की कितनी भी क्वांटिटी आप ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा। क्या डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे? नहीं कर रहा है। दिस ऑल प्रॉपर्टीज विल बी कंसिडर्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल और क्वांटिटी ऑफ मैटर विल बी कंसिडर्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बताना चाहूंगा, वो समझे आप मेरी बात बहुत ध्यान से। मास, मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन याद रखें मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी। और डेंसिटी याद रखना, इसकी वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ मैटर पे। मास डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, बट मास पर यूनिट वॉल्यूम एक फिक्स क्वांटिटी है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। ऑल्दो मास एज वेल एज वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मास पर यूनिट वॉल्यूम विच इज डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रिमेंबर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है डेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। और एक और बात, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है अगर लिक्विड का है तो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, बट जो गैसियस वॉल्यूम है वो कायदे से जिस कंटेनर में रखा जाएगा वो तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गैसियस वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है कि गैसियस वॉल्यूम कहाँ होना चाहिए। गैसियस वॉल्यूम जो है मोर करेक्टली कहाँ होना चाहिए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में होना चाहिए, क्योंकि गैसियस वॉल्यूम जो है वो तो अवेलेबल स्पेस पूरा ही ऑक्यूपाई कर लेता है, है ना? इसलिए हमने वॉल्यूम लिखा, लेकिन ट्रूली गैसियस वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से आपको क्लियर कर लेना होगा, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। टॉपिक आसान है लेकिन जो कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में है, खासतौर से मैथमेटिकल क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। पहले समझ लेंगे बहुत ध्यान से एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो हमने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड और वी कैन से हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था वो क्या है वो समझे आप। कॉन्सेप्ट ये है, थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हर एक सब्सटेंस के पास सर्टेन अमाउंट में हीट है, राइट? सपोज कीजिए केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए इज रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट बी,
ए के पास एनर्जी थी 60 जूल सपोज, और उसने प्रोडक्ट बी फॉर्म किया जिसकी एनर्जी है 40 जूल। कॉन्सेप्ट है यहां पर, लॉ है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब ये 60 जूल का था, 40 जूल वाला उसने प्रोडक्ट बनाया, 20 जूल एनर्जी का क्या रिलीज हो गई, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो बची हुई 20 जूल एनर्जी रिलीज होगी। ये है कॉन्सेप्ट एक्सोथर्मिक एनर्जी का। यहां से बात हमने ये समझी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है, याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है। तो डेल्टा ई, डेल्टा ई मतलब एनर्जी चेंज, जिसका फॉर्मूला, डेल्टा का मतलब ही, चेंज का मतलब ही होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल मतलब प्रोडक्ट, अग्री करते हो, माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही होगा ना। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एनर्जी चेंज, 40 माइनस 60 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 20 जूल। बस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सोथर्मिक एनर्जी में प्रोडक्ट के साइड पर एनर्जी पॉजिटिव के फॉर्म में लिखी जाती है 20 जूल, लेकिन अगर मुझे किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एनर्जी चेंज की वैल्यू लेनी है तो एनर्जी चेंज 20 जूल नहीं लूंगा मैं, माइनस 20 जूल लूंगा। यही कॉन्सेप्ट है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी चेंज और हीट चेंज विल बी ऑलवेज नेगेटिव। रिमेंबर, अगर आपको ये हीट या एनर्जी गिवन है इक्वेशन में, तो उसकी जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको मैथमेटिकली यूज करते समय याद रखना, उस वैल्यू को आपको नेगेटिव करना होगा, अदरवाइज आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसके ठीक अपोजिट एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर, एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दोनों का बहुत कॉमन सा, 9th-10th में हम कहते थे कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्शन कराई और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेस्ट ट्यूब को हम टच करेंगे तो वो हॉट हो जाएगी, हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वो कोल्ड सेंस आपको लगेगा, कूलिंग इफेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ जाइए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज होती है, याद रखें। तो सब कुछ उल्टा हो गया यहाँ, सब कुछ उल्टा कर दें कैसे, एक रिएक्टेंट है ए जिसकी एनर्जी 40 जूल है और वो चाहता है 60 जूल वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना। अब 20 जूल एनर्जी क्रिएट तो कर नहीं सकता वो, मतलब 20 जूल एनर्जी वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है, 20 जूल यहां लिखा मैंने रिएक्टेंट साइड, इस एनर्जी को अगर मैं प्रोडक्ट साइड लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस 20 जूल। तो इक्वेशन में प्रोडक्ट के साइड की बात हो रही है, प्रोडक्ट के साइड में जब माइनस साइन के साथ एनर्जी या हीट शो की जाएगी, इसका मतलब आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, समझ जाइएगा आप। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप देख रहे हो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अग्री करते हो, तो एनर्जी चेंज की वैल्यू हुई फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी 60 माइनस रिएक्टेंट की 40, मतलब क्या मिला आपको, प्लस 20 जूल एनर्जी चेंज मिला। इक्वेशन में साइन क्या गिवन है, माइनस 20, लेकिन जब मुझे मैथमेटिकली एनर्जी चेंज की वैल्यू कंसिडर करनी है मैं क्या लूंगा, प्लस 20। अब बात क्लियर हुई। सो रिमेंबर वन थिंग, एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, डू नॉट फॉरगेट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमने ये गलत लिख दिया था, लिख लें एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेफिनेशन तो हमने सही लिखी थी ना, दोस केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फियर आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन बोथ डेल्टा ई एंड डेल्टा एच, एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म थर्मोडायनामिक्स का, जो ड्यूरिंग द डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, समझ लें, वो है स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, तो सीधे सीधे सिंप्लीफाई करके अगर मैं कहूं तो वो पैरामीटर
वो फंक्शंस या वो पैरामीटर जो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, जो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दे विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन. वी कैन डिफाइन स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन इज दोज फंक्शंस और पैरामीटर विच डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर या फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन. फिर समझे, मैं इस स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल को और ज्यादा यूजफुल या मीनिंगफुल बनाने के लिए और प्रॉपरली इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. और ध्यान से समझे, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन से, जैसे मैंने कहा इसको मैं और ज्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहता हूं, तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा, यहां पर स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ऐसे कुछ होगा, जैसे किसी सब्सटेंस की इनिशियल फिजिकल स्टेट ए है और फाइनल फिजिकल स्टेट क्या है, डी. और यहां पर हीट चेंज आपको मिल रहा है 40 किलो जूल. आप समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से, ए को अगर मैं डी में चेंज कर रहा हूं, कितना हीट चेंज मिला, 40 किलो जूल. अब मैं डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं डिफरेंट स्टेप्स में यह चेंज कैरी आउट करता हूं. ए से मैंने बी पहले प्रोड्यूस किया सपोज, बी से मैंने सी और सी से मैंने क्या प्रोड्यूस किया, डी. और अब मैं ये ऑब्जर्व करता हूं हीट चेंज, पहले मुझे मिला 15 किलो जूल, फिर मुझे मिला 15 किलो जूल, फिर मुझे मिला 10 किलो जूल. मतलब यहां पर हीट चेंज जो है वो केवल डिपेंड कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल फिजिकल स्टेट पे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेप्स by which change is carried out are also considered as state function or state variable. जो केवल initial और final physical state पर depend करते हैं, वो इस बात पर depend नहीं करते हैं कि कितने steps में change carry out किया गया है, वो भी truly क्या है, state function है. और यहाँ thermodynamics में हम ऐसे कई सारे state function discuss करेंगे और वो होंगे like enthalpy, वो होंगे entropy, इंटरनल एनर्जी, एंड गिब्स फ्री एनर्जी. एंथैल्पी जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी एस से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी ई से डिनोट करते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी जी से डिनोट करते हैं. अब मेरी बात समझना ध्यान से, ट्रूली एंथैल्पी डिपेंड नहीं कर रहा है, एच डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एच की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है भाई. रिएक्टेंट की एंथैल्पी कुछ भी हो सकती है, हीट कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्ट की कुछ भी हो सकती है, तो एच कांस्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट है. आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैंने क्या कहा, ए से जब डी चेंज हुआ तो हीट चेंज की वैल्यू 40 किलो जूल है, मतलब स्टेट फंक्शन कायदे से एंथैल्पी नहीं है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कांस्टेंट है. इसका मतलब ये जो सारे पैरामीटर हैं ये क्या है, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल. तो ट्रूली हमें एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर चेंज के लिए, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कांस्टेंट है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसका डिस्कशन होता है, और कांस्टेंट वैल्यू एंथैल्पी नहीं है, एंथैल्पी चेंज है. मतलब वी विल डिस्कस मैथमेटिकली, हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो एच का नहीं होगा बल्कि एंथैल्पी चेंज का होगा, बिकॉज एंथैल्पी चेंज विल बी कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, नॉट एंथैल्पी. एंट्रोपी चेंज अगर स्टेट फंक्शन है
तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन नहीं है, एंट्रोपी का चेंज डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है बल्कि इंटरनल एनर्जी चेंज स्टेट फंक्शन है। गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टेट फंक्शन है। तो फिर से समझें, जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनके चेंज की वैल्यू किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है। मैंने ये नहीं कहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट है। मैंने ये कहा जब रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो यहां मिलने वाला हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट है। तो जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, इनिशियल एंड फाइनल फिजिकल स्टेट पर, एंड दिस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेप्स बाय विच चेंज इज कैरिड आउट। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग अबाउट स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, कि जो स्टेट वेरिएबल हैं उनके चेंज की वैल्यू किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होती है। जैसे एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं है, एंथैल्पी चेंज किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है। इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन सबका नहीं होगा, इनके का होगा, क्योंकि इनके चेंज की वैल्यू पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैंने आपसे ये कहा कि हम इसको और मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि दोस और पैरामीटर्स विच डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एंड रिमेंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेप्स बाय विच चेंज इज कैरिड आउट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर चेंज के लिए ये जो पैरामीटर हैं इनके चेंज की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। इसलिए हम एंथैल्पी डिस्कस नहीं करेंगे, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच डिस्कस करेंगे। हम एंट्रोपी डिस्कस नहीं करेंगे, एस डिस्कस नहीं करेंगे, हम डेल्टा एस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके चेंज की वैल्यू किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कॉन्स्टेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज रिलेटेड विद इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय ई, जो कि सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने के बाद, फंडामेंटल क्लियर करने के बाद पहला टॉपिक मान सकते हो इस यूनिट का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जिसके मॉडिफाइड स्टेटमेंट भी लिखे जा सकते हैं, याद रखें। जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है लिखेंगे तो आप वही स्टेटमेंट जब भी लिखना होता है आपको स्कूल लेवल एग्जाम में, तो आप वही स्टेटमेंट लिखते हो, लेकिन उसके मॉडिफाइड स्टेटमेंट पर कई बार क्वेश्चन बनाने की कोशिश होती है, तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे। अगर उस पर बेस्ड कोई मॉडिफाई करके स्टेटमेंट गिवन हो कॉम्पिटिशन में तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहना चाह रहा है ये समझिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूनिवर्सल स्टेटमेंट ये होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है नहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, कोई भी एनर्जी क्रिएटर नहीं है, मैं आपको बता दूं पूरे यूनिवर्स में एनर्जी क्रिएटर नहीं है। अगर आपको ये ट्यूबलाइट से लाइट मिल रही है तो ये सोर्स नहीं है लाइट एनर्जी का, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और लाइट एनर्जी के फॉर्म में आपको लाइट का सोर्स बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं हुई, वो न्यूक्लियर एनर्जी का एक फॉर्म है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। पावर प्लांट क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई हीटर हमने यूज किया वाटर को हीट करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो केवल कन्वर्टर है, एनर्जी का रियल सोर्स नहीं है। कई बार आप कहते हो कि नहीं सन है, तो मैं कहूंगा सन भी एनर्जी का सोर्स नहीं है, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। मतलब कुल मिलाकर के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मतलब कुल मिलाकर के न्यूक्लियर एनर्जी ही वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर रहा है और एनर्जी का सोर्स बना हुआ है। तो कायदे से वो एनर्जी का सोर्स नहीं है, उसने भी एनर्जी का कन्वर्जन किया, न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस हुई एनर्जी को वो रेडिएट कर रहा है, वो भी सोर्स नहीं है एनर्जी का।
पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है, केवल जो भी डिवाइस जो काम कर रही है वो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर रही है, दैट्स इट। वो सारी डिवाइस जो एनर्जी का कन्वर्जन करती है उसको आप मशीन्स कह सकते हो। किसी ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए तो क्या वो लाइट एनर्जी दे सकती है? नहीं। किसी हीटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना दी जाए तो वो क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं। मतलब जो डिवाइस है जिसको आप मशीन कह रहे हो, जो एनर्जी का कन्वर्जन कर रही है, उसको जब तक आप एक फॉर्म में एनर्जी नहीं दोगे तब तक दूसरे फॉर्म में वो एनर्जी आपको नहीं दे सकती। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर हम मॉडिफाइड स्टेटमेंट लिखने वाले हैं और मॉडिफाइड स्टेटमेंट ये मैंने कुछ नहीं किया, मॉडिफाई करने के लिए उसी एग्जांपल को डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने यही कहा ना फर्स्ट लॉ में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर। तो वो डिवाइस जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे उसको हम क्या कह रहे हैं यहां पर? मशीन। मशीन को एक फॉर्म में एनर्जी दोगे तभी तो दूसरे फॉर्म में वो एनर्जी देगी, यही हुआ ना? मतलब यहां पर मॉडिफाइड स्टेटमेंट बनेगा। कैसे मॉडिफाइड स्टेटमेंट बनेगा? देयर इज नो मशीन इन द यूनिवर्स विच कैन वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। अगर मैं ऐसा भी स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं फॉलो कर रहा हूं किसको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना नहीं है, लेकिन समझे आप कि कॉम्पिटिशन में आपको स्टेटमेंट को मॉडिफाइड करके दिया जा सकता है। अगर स्टेटमेंट आपसे कहा जाए देयर इज नो मशीन इन द यूनिवर्स विच कैन वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, ये कौन सा स्टेटमेंट है? आप कहेंगे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। फिर समझना, इसी स्टेटमेंट में कुछ हम सोचने का तरीका ये रखें। मैंने आपसे पहले कहा था जिस भी यूनिवर्स के पार्ट को आप कंसिडर कर लेते हो वही क्या हो जाता है? सिस्टम। मैंने पूरे यूनिवर्स को कंसिडर कर लिया और उस पर आप फर्स्ट लॉ लगा देता हूं मैं कि पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम है, मान लेते हैं इस पर मैं फर्स्ट लॉ लगा देता हूं। इस यूनिवर्स के अंदर ना तो एनर्जी क्रिएट हो रही नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। ये भी किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मॉडिफाइड स्टेटमेंट है। कई बार स्टेटमेंट मॉडिफाइड करके दे दिए जाते हैं, ट्रेडिशनल स्टेटमेंट आपके रटे हुए होते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर, इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन याद रखें इसी का मॉडिफाइड स्टेटमेंट दूसरा क्या हुआ? देयर इज नो मशीन इन द यूनिवर्स विच कैन वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, इज ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा स्टेटमेंट, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, इज अनदर मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे स्टेटमेंट। लिखना वही है जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, लेकिन मॉडिफाइड स्टेटमेंट भी दिमाग में आपको रखने हैं जिसपे स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। एनर्जी से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बट यहां पर ये नोट कर लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विद इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विद इंटरनल एनर्जी।